हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एरिना ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पीएचडी के लिए लेकर के जाना है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताऊंगा। अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो इन इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना होगा। और दोस्तों, मैं आपकी सारी क्वेरीज लेने वाला हूँ इस वीडियो में, जो आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछा था। बहुत सारी क्वेरीज का मैंने रिप्लाई किया है, बट कुछ क्वेरी का मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, तो मैं उसका रिप्लाई इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। सारी चीज़ें आपको मैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी अपडेट जो भी मैं अपने चैनल के माध्यम से देता हूँ वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग जब लाइक करके, कमेंट करके तथा सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप जब भी मुझसे क्वेरी पूछते हैं, आपका कोई भी क्वेरी हो, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको उसका सही उत्तर दिया जाए। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपको 100% फ़ायदा होगा, यह मैं आपको बता देता हूं। कोई भी यूट्यूबर वीडियो बनाता है बट वो रिप्लाई प्रॉपर नहीं करता, एक दो दिन देता है, उसके बाद रिप्लाई नहीं देता, बट मैं आपको पूरा हमेशा रिप्लाई करता हूं, चाहे वीडियो के माध्यम से दूं, चाहे आपको टेक्स्ट मैसेज करके दूं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। तो दोस्तों, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जिनकी रिक्वायरमेंट है आपके पीएचडी एग्जाम के लिए, मतलब अगर आप पीएचडी देने जा रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करके ले जाना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट साथ लेकर के जाना है। देख, मार्कशीट में क्या होता है, आपके सारे मार्क्स उसमें रहते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट में आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। सर्टिफिकेट में क्या होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है, आपके फादर्स नेम, आपके स्कूल का नाम, प्लस कौन कौन से सब्जेक्ट आपने लिए थे, वो सारा सर्टिफिकेट में होता है। सेम 12th की भी आपको मार्कशीट लेनी है और सर्टिफिकेट लेना। बहुत सारे बच्चे कहेंगे, सर मेरे पास मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपके पास 10th 12th का जो भी है, चाहे वो मार्कशीट हो या सिर्फ सर्टिफिकेट हो, आप उसको ले करके जाइए। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं सेंटर पर नहीं जाऊँगा, आप जाइए, कोई बात नहीं। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों दिया जाता है, इंक्लूडिंग 12th में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे जो अलग बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं या अदर किसी बोर्ड से हैं, उन लोगों के पास मार्कशीट होती बट सर्टिफिकेट नहीं होता, तो घबराने की कोई बात नहीं, आप मार्कशीट लेकर के ही जाइए। तो ये क्वेरी थी, बहुत बच्चों की आ रही थी, तो मैं क्लियर कर दिया हूँ। साथ ही साथ आईडी प्रूफ को लेकर के बहुत सारी क्वेरीज आए, सब बच्चे कह रहे हैं, कोई कह रहा है मेरा सर आधार में नेम मिस्टेक है। देखिए, आप वो आईडी प्रूफ लेकर के आइए जिसमें आपका एड्रेस प्लस नेम करेक्ट हो, ठीक है। और अगर किसी से फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है, नाम में मिस्टेक होगी, उसके फादर नेम में मिस्टेक होगी, घबराने की बात नहीं है, वहाँ सेंटर पे आप जा करके अपने फादर्स नेम या अपने नेम में करेक्शन करके उसको ठीक कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो करेक्ट आईडी प्रूफ लेकर के जाइए, चाहे आप आधार कार्ड ले जाइए, पैन कार्ड ले जाइए, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी आईडी कार्ड जो आपकी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या पेयरिंग आपने डाला है, तो उस यूनिवर्सिटी का आईडी प्रूफ आप लेकर के जा सकते हैं। तो यहाँ से भी आपकी क्वेरी क्लियर हो गई कि आप कोई भी आईडी, कौन कौन सी आईडी लेकर के जानी है, और जो आपके नाम की मिस्टेक या आपके फादर नेम में मिस्टेक है तो उसके से रिलेटेड क्वेरी का भी मैंने जवाब दे दिया है कि आप लोग वहाँ पर जा करके सेंटर पर करेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर के जानी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, सर मैंने जो फोटो अपलोड की थी वो तो जो क्या कहते हैं बना करके मैंने अपलोड कर दी, बट एट एक्चुअल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, अगर आपके पास वो फोटो है कहीं भी सिस्टम में है तो आप बाहर से जा करके एक फोटो पेपर आता है उसको परचेज कर लीजिए, और कहीं पर प्रिंटर पर जा करके कलर्ड प्रिंटर पर फोटो पेपर लगा करके वो जो फोटो है उसको वर्ड पैड में कॉपी कर लीजिए 5-6 जगह, और उस पर प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आपका कोई पहचान नहीं सकता, एकदम हूबहू आपकी फोटो उसमें आ जाएगी। तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। और दोस्तों, अगर किसी के पास वो फोटो अब है नहीं तो आप दूसरी फोटो लेके जाइए, अदरवाइज आप वही फोटो को कैरी कीजिए जो आपने अपलोड किया था फॉर्म भरते समय, क्योंकि वहाँ के जो भी ऑफिशियल हैं वो फोटो टैली करेंगे, कहीं फोटो में कुछ चेंज होगा तो वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप देख करके चलिए, बाकी मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है। अगर आपके पास कोई भी फोटो स्कैन की हुई भी पड़ी है तो उसको वर्ड पे आप कॉपी कीजिए, वर्ड पे छोटा छोटा पासपोर्ट साइज फोटो बनाइए, और एक वहाँ से बाहर से एक फोटो पेपर परचेज कर लीजिए, फोटो पेपर, उस पर प्रिंट आउट निकाल लीजिए, कट करके पासपोर्ट साइज फोटो आपकी बनके तैयार हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये फोटो रिलेटेड आपकी जो क्वेरी थी उसका मैंने क्लियर किया है।
अब आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मैंने फॉर्म के टाइम पे जो कास्ट सर्टिफिकेट भरा था, अब मैं यूपी से था तो मैंने राज्य का सर्टिफिकेट डाल दिया है। ठीक है, उस टाइम पे जो आपके पास अवेलेबल था आपने डाला, कोई इशू नहीं दोस्तों। बट अब जो वो लोग सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के हिसाब से मांग रहे हैं। आप उनके प्रिस्क्राइब फॉर्मेट को उनके नोटिफिकेशन से जाके देखिए, सीआईएसएफ का नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, लास्ट पेज में जाएंगे वहाँ पे उन्होंने सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, ओबीसी के लिए भी, एससी के लिए भी, एसटी के लिए भी, उसमें सब बताया है कि आपको इस तरीके से सर्टिफिकेट। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर सेंट्रल का लूँ या राज्य का लूँ, ऐसा सेंट्रल राज्य कुछ नहीं दोस्तों, सीआईएसएफ का जो भी उन्होंने अपना एक फॉर्मेट बना के दिया है उस फॉर्मेट में आपको लेना है। साथ ही साथ उन्होंने बोला है वो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से वो साइन करवाने हैं, या जो भी डिपार्टमेंट उन्होंने बताया है वहाँ नोट करके दिया हुआ है, आप उसको देखिए और वहाँ से उसको करा लीजिए। क्योंकि देखिए अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक और भी होगा फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे, वहाँ पर ये सब चीज़ उनके अकॉर्डिंग मांगी जाएंगी, तो दोस्तों आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं, जो भी फॉर्म लगाया है या जो भी सर्टिफिकेट लगाया है अब आप जाइए और कोशिश हो सके तो इसे बनवा लीजिए, क्योंकि ये भी आपके काम आने वाला है। और एक चीज़ और बता दूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जा रहे हैं सब ओरिजिनल में लेकर के अपने साथ जाना है, आईडी प्रूफ, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, जो भी चीज़ें सब ओरिजिनल लेकर के आपको जाना है। साथ ही साथ उनकी एक फोटोकॉपी, एक सेट फोटोकॉपी रखनी है, क्योंकि वो जमा हो जाएगी, वो जो कॉपी जमा होगी जब आप फाइनल सिलेक्शन आपका होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपके साथ फिर वो टैली किया जाएगा। तो दोस्तों ये आपको फोटोकॉपी भी एक सेट लेकर के जानी है, वहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड होगा, आपको सेल्फ अटेस्टेड लिखना है और उसके नीचे अपना सिग्नेचर करना है, जो भी आपका नाम है उस पर सिग्नेचर कर दीजिए और वो हो जाएगा। साथ साथ बहुत बच्चे कह रहे हैं सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज सच मेरे अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड नहीं होता, बट देखिए जो अभी एडमिट कार्ड आया तो उसके पीछे जो भी इंस्ट्रक्शन थी वहाँ पर उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ऐसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट बताया है, तो आप ले करके जाइए, कोई रिस्क मत लीजिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट के कोई पूछेगा सर वैलिडिटी कितनी है, देखिए हर स्टेट का अलग अलग है। दिल्ली में तो देखिए एक साल की वैलिडिटी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इशू करता है। ठीक है, यूपी में आप जाएंगे तो वहाँ पर डीएम और जो वहाँ का होता है वो उसको इशू करता है, तो यूपी में आप देखेंगे तो वो लाइफ टाइम के लिए होता है। क्यों? देखिए जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो किसी का करेस्पॉन्डेंस कोई बनवाता है, कोई परमानेंट बनवाता है, देखिए परमानेंट अगर आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन रहा है वो तो परमानेंटली हो गया, आप तो परमानेंटली वहीं से बिलोंग करते हैं, तो लाइफ टाइम के लिए। बट कहीं कहीं स्टेट पर वो वेरी करता है, 6 महीने, कहीं पर 1 साल के लिए है, कहीं 3 साल के लिए है, बट यूपी के लिए आप देखिए तो लाइफ टाइम कर दिया गया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का। ठीक है दोस्तों, परमानेंट जो है वो आपका लाइफ टाइम है यूपी के लिए, और स्टेट का मैं बता नहीं सकता, बट मैंने बताया है दिल्ली का 1 साल है, अदर स्टेट का किसी का 3 साल है, 5 साल है, तो जैसा है आप बना लीजिए। क्योंकि देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट का उन्होंने दे दिया है एडमिट कार्ड में, तो आपको लेकर के जाना ही पड़ेगा। अब हम बात कर लेते, देखिए जो भी आप डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी मैंने लगभग दोस्तों इसमें सारी कवरअप की है। इसके बाद भी आपकी क्वेरी आती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रॉपर उसका रिप्लाई दूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिनको आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों देखिए ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मुझे किसी ने भेजा था, तो ये एडमिट कार्ड के, जब आप एडमिट कार्ड तो अपना देख लेते हैं बट आप कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ते, तो ये आपको बहुत जरूरी है। आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिखा है, ब्रिंग एडमिट कार्ड ऑफ, मतलब आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है और रिसेंट पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है उसको ऑलरेडी चिपका करके ले जाना है, जो भी आपको स्पेस प्रोवाइड किया गया है, दैट मीन्स जो सेम फोटो वो मांगेंगे जो आपने अपलोड की, तभी तो दोनों फोटो मैच करेगी, तो ये दोनों फोटो आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद इन्होंने बोला है अब क्वालिफिकेशन, कोई बच्चा मुझसे क्वेरी पूछा सर मेरा डिप्लोमा है, मैं 12th नहीं है, देखिए उन्होंने सिर्फ मांगा है कि 12th पास आपका होना चाहिए, तो 12th पास होना चाहिए और कोई क्वालिफिकेशन नहीं चलेगा, 12th आपको होना चाहिए, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, 12th शो होना चाहिए कि यू आर पास 12th क्लास, तो 12th पास का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तभी तो आप सिलेक्शन ले पाएंगे, तो इसके लिए आपको 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। तो उनका क्वेरी भी मैं क्लियर कर देता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों देखिए सब बच्चों को सुबह बुलाया गया है, तो आपको मॉर्निंग में पहुँचना है, उनका कैंप जो है शार्प 7 AM स्टार्ट कर देंगे वो लोग आपकी सारी प्रोसेस, और आपको 6:30 बजे तक सेंटर पर किसी भी हाल में पहुँचना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपके जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए एडमिट कार्ड में वो सारे पढ़ने हैं कि क्या क्या लेकर है। दोस्तों देखिए उन्होंने बोला है ब्रिंग 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ओरिजिनल, एजुकेशन, कास्ट,
डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड अदर टेस्टिमोनी अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी। जो जो चीज़ें मैंने सारी बताई हैं वो इन्होंने बोला है कि आपको ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट लाना है, कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी उन्होंने बता दिया, तो लाना ही लाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ हो गई। फिर उन्होंने बोला बेयरिंग अ फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आपको आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आइडेंटिटी कार्ड भी अपना प्रूफ के तौर पर ले जाना है, जो कि मैंने सारा बताया था, आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन और कोई भी यूनिवर्सिटी का वो हो, ठीक है, आपका जो भी आईडी प्रूफ है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आप ही मतलब अगर इनमें से कुछ जो भी आपका कैंडिडेट है, रिक्रूटमेंट ही प्रोविजनल, मतलब अभी आप इसको फाइनल सिलेक्शन मत समझिए, ये आपका प्रिलिमिनरी राउंड है, ये उन्होंने बताया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यू आर एडवाइज टू ब्रिंग नॉट टू ब्रिंग योर मोबाइल एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। वो देखिए सब में बोलते हैं कि अपना मत लेके आइए, बट देखिए दोस्तों मैं समझता हूँ मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, आदमी मोबाइल तो जरूर रखेगा क्योंकि विदाउट मोबाइल कुछ हो नहीं सकता, तो मोबाइल लेके जाइए, वहाँ कैंप पे कहीं ना कहीं व्यवस्था होगी, नहीं ले जाते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है, बाकी उन्होंने मना किया है तो आप देख लीजिए जो आपको सूट करता हो। उसका जो उन्होंने बोला है कि अगर आपका देखिए इंग्लिश या हिंदी जो यूपी बोर्ड से हैं उनकी जो भी मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश या हिंदी में होंगे, हैं जो लोग महाराष्ट्र से मराठी हैं, मराठ तो गुजराती हैं तो वहाँ गुजरात बोर्ड का उन्होंने सर्टिफिकेट, तो उसका ट्रांसलेशन वो मांग रहे हैं। आप इंग्लिश हिंदी में आपका सर्टिफिकेट है तो इट्स ओके, बट अदर लैंग्वेज में है तो उसका ट्रांसलेशन आपको लाना पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश में करवा के। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान कर लीजिए, जो बच्चे अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, बंगाल से हो, तो उन सब लोगों को ट्रांसलेशन देना पड़ेगा अगर उनका उस वहाँ की लैंग्वेज में सर्टिफिकेट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला है तो ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। उन्होंने बोला है कि जो भी सर्टिफिकेट है इंस्टीट्यूट सेंटर बोर्ड एंड द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन डिक्लेयरिंग द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज सर्विसेज, ठीक है ये तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो भी सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट से मिला होना चाहिए, यही सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए उन्होंने अपेंडिक्स डी दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, तो उनको उसके हिसाब से एनओसी या कुछ जो भी है वो देना पड़ेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने बोला कि आपको टाइमली अपने वेन्यू पे पहुंचना है, जो भी डेट एंड टाइम है तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अदरवाइज आप सोचें कि मैं थोड़ा लेट पहुंच जाऊं, 7 बजे का उन्होंने बोला रिपोर्ट, 6:30 रिपोर्टिंग टाइम बोला है, आप 7:30 पहुंच रहे हो तो आपको नहीं ले एंटरटेन करेंगे, ठीक है दोस्तों। यू शुड प्रिपेयर टू स्टे द रिक्रूट, बहुत बच्चे कहे सर एक दिन में क्या प्रोसेस हो जाएगी, ये भी एक क्वेरी थी। देखिए एक दिन में हम लोग मान के चलते हैं ना एक दिन में होगी, बट उन्होंने लिख दिया यू शुड कम प्रिपेयर्ड फॉर स्टे एट द रिक्रूटमेंट वेन्यू 1 to 2 days अंडर योर ओन अरेंजमेंट। आपको 102 दिन का अरेंजमेंट करके आना है, क्योंकि देखिए कोई भरोसा नहीं है, किसी किसी बच्चे का कहो तो दोपहर में हो जाए, किसी का शाम, किसी का अगले दिन भी जा सकता है, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, कि सेंटर पे कितने कैंडिडेट पहुंच रहे हैं, ठीक है, कहीं पे कम बच्चे पहुंचेंगे तो वहाँ जल्दी लोगों का हो जाएगा। तो उन्होंने बोल दिया कि आप इसे 1 या 2 दिन की तैयारी करके आइए, सब कुछ अरेंजमेंट आपको ही करना है, इसके लिए हम कोई आपको अदर एक्सपेंस देने वाले नहीं हैं, चाहे जो भी खर्चा हो आपको अपने खर्चे पे ही आना है, ठीक है। CISF ने बोल दिया है कि वो अपना रिजर्व रखता है राइट कि कभी भी आपको कैंसिल कर सकता है अगर वो कभी कोई भी चीज़ गलत पाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो निकल की बात आती है वो निकल के आती है आपके SC/ST सर्टिफिकेट के बारे में। तो उन्होंने साफ बोला है कि SC/ST कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिक्वेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज पब्लिश इन नोटिफिकेशन फॉलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर। मतलब कहने का सेंस है जो उन्होंने नोटिस में आपका जो फॉर्मेट दिया है कि OBC SC/ST या जो भी कैटेगरी के हैं जो कास्ट का बेनिफिट ले रहे हैं उन लोगों को उनके प्रिस्क्राइब फॉर्मेट CISF का जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उनके नोटिफिकेशन में उसके अकॉर्डिंग देना है बना करके, अगर आप नहीं देते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो फॉर्म भरते समय लगा दिया सर्टिफिकेट कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको एट अ टाइम ऑफ PST, ठीक है, और फर्दर जो भी टाइम होगा उस टाइम के लिए आपको उनके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने दी है कोई भी इन्फॉर्मेशन झूठी नहीं होनी चाहिए, अगर आप कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी झूठी पाई जाती है तो आपका कैंडिडेचर वहीं सेम टाइम कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी आप लोगों के साथ शेयर की। दोस्तों देखिए आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सारी चीज़ें लेकर के आता हूँ, आपकी सारी क्वेरी को क्लियर करता हूँ, तो प्लीज़ एक अच्छे मन से प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। दोस्तों आप लोग जब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और आपकी जो भी क्वेरीज आती है उसका मैं हमेशा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।